हाई यू गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज़ मी संघमित्रा. मुश्किल से आई थिंक लास्ट 5 डेज में पहली बार इतनी ज़ोर से चिल्ला के कुछ बोला, मुझे थकावट भी हो गई. तो मेरी तबीयत बहुत दिन से ख़राब चल रही है, मतलब खांसी जा रही हूँ, फीवर हो रहा है. एंड जब लास्ट फ्लाइट ऑपरेट करके आई तो गंदा फीवर था, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ. फिर दुनिया भर के डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कोविड सब टेस्ट करा लिया, सब नेगेटिव आ गया. तो समझ तो आ नहीं रहा है कि एक्चुअली में हुआ क्या है. बट ठीक है, कोई बात नहीं, विल सर्वाइव इट. और आज ना मैं चेन्नई के ब्लॉग्स देख रही थी बैठ के. भाई जो हंसी आई है, जो हंसी आई. पहले ये ब्लॉग्स में भाई मतलब क्या ही करते थे हम, खाली मस्ती करते रहते थे, इधर उधर करते रहते थे एंड कुछ नहीं. मेरा हाथ भी दुख गया. अभी 4 दिन से, 4-5 दिन हो गए मुझे बीमार हुए और ये मेरा कॉन्स्टेंट ब्रेकफास्ट बन गया है, म्यूसली मूसली जो भी बोलते हो इसको. और अब मैं थक चुकी हूँ अभी ये खा खा के. मैं ब्रेकफास्ट में चाउमीन खाऊंगी. तुम थक चुकी हो? पिछले चार दिनों से ये बीमार है और इसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आता है. मेरा शरीर बस काम कर रहा है बाकी लोगों के लिए. मुझे नहीं पता है मेरे ऊपर क्या बीत रही है. कुछ नहीं, अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब मैं ही सारा काम कर रही हूँ. ये मैं बता दूँ आप लोगों को, ये खुद का एक पानी का ग्लास नहीं उठा के पीती है. आज करेंगे ना सब कुछ मैं किए रहती हूँ. और कैमरा लाएगी फिर बोलेगी मैंने ये सब किया. हेलो गाइस, मैंने किया. गुड मॉर्निंग एट 11 o'clock इन द आफ्टरनून. ये रेड टी शर्ट पहन मैं इसलिए तब क्योंकि सुबह सुबह इनका ना दुलार चलता है, वो मम्मी मम्मी चलाएगा, फिर मम्मी उसको प्यार करने जाएगी. ये आज तक मेरे लिए नहीं हुआ है. नहीं, झूठ बोल रही हो ना तुम. नहीं बिल्कुल, अभी तुमको प्यार से जगा कर आए हैं ना. अब खुद जगे हैं, हमको कोई किसी को कभी जगाने की जरूरत नहीं पड़ी. ये बहुत झूठी है, इसकी बातों पे मत जाना. देखो जैसा शकल लग रहा है, अपनी शकल की तरफ भी घुमा लो ना. क्या वो आज व्लॉग में मेरी शकल दिखेगी ही नहीं. हाँ, क्योंकि असली शकल क्या है सबको पता. पापा खड़ू संकल जैसे साइड में बैठ के काय देख रहे हैं. हमारी मम्मी की आ रही है एनिवर्सरी और घर पे पैकेजेस पे पैकेजेस आए जा रहे हैं और मम्मी सबका कैश ऑन डिलीवरी कर रही है. और ये क्या मंगाई मम्मी? लाल लाल आए गाउन पहनोगी आप? सही में गाउन पहनोगी? ओह माय गॉड, ये तो सुंदर लगेगा भाई. पहन के दिखाओ आप. बाप रे, ऐसे लग रहा है. आगे आओ, आगे आओ. लाइट नहीं आ रही है मुंह पे, ऐसे लग रहा है प्रिंसेस है. अच्छा लग रहा है मम्मी, बहुत सुंदर लग रहा है. थैंक यू बेटा, पहली बार मुझे बोली है कि अच्छा लग रहा है. मैं तो कभी नहीं बोलती है कि आप सुंदर लग. बस अब डल लग रही हूँ, नहा लो. ऐसा लग रहा है बहुत दिन से नहा ही नहीं हूँ. सुन लिया? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी. अच्छा बोली हो मेरे बारे में? नहीं, तैयार बार होगी तो अच्छी लगोगी. अभी नहीं अच्छी लगती अभी, मतलब कपड़ा तो बढ़िया ही है. ये कितनी भी गंदी शक्ल में होती है, मैं कहती हूँ बेटा बहुत अच्छी लग रही है. हमेशा बोलती है कि मुझे लगता ही नहीं है मेरी बेटी है, हॉस्पिटल में चेंज हो गई है मेरी बेटी. आज तक कभी नहीं बोला है इन्होंने. शायद चेंज हो गई हो. अगर किसी के पास चली गई हो तो मुझे वापस दे देना, इसको भी रखूंगी उसको भी रखूंगी. पापा को दिखा दो. अरे दिखा दो, पार्थ को दिखा दो. अब सब कुछ के बारे में अपडेट करना है तो अपडेट कर देते हैं आपको. सेटअप ये, यहाँ से सब कुछ सामान हट गया है. सॉरी, मेरा ना बहुत गंदा लग रहा है बेड एक्चुअली, बिकॉज यू नो मैं 4 दिन से यही पड़ी हुई हूँ, ना नहा रही थी ना कुछ. तो पापा का सब कुछ वहाँ चला गया है. यहाँ मेरी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं और मैं नई बुक पढ़ रही थी, थिंक एंड ग्रो रिच, मस्ट रीड गाइस. और अभी मैं दिखाती हूँ कॉटेज जो कि एकदम सेक्सी हो गया. हम इसको भी सेक्सी करेंगे, स्टूडियो बनाना है हमको इस रूम को, तो बढ़िया करेंगे. ये है मेरे पापा का सुंदर सा कॉटेज जिसकी दिशा बिल्कुल बदल चुकी है. मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे यहीं रहना चाहिए. सबने अपना सेटअप बना दिया है मुझे छोड़ के. तुम्हारे लिए तो बनाया ना. हाँ, दे दिया पूरा सेट हारने के. इसलिए मैंने बचपन में वो मेरा वहाँ पे बनेगा अभी स्टूडियो, अभी इन मेकिंग है, बना नहीं है. आपको ऑलरेडी बन गया है. I have done my bit. Now you have to do your bit. दिल्ली में ना ऐसी ठंड हो रखी है कि मतलब मन करता है बस कंबल में ऐसे दुब के रहो. कल तो 3 डिग्री था दिल्ली में. मतलब मेरे को ना श्रीनगर में गई थी अभी ट्रिप पे. एंड बाय द वे
सॉरी, तुम लोग गुलमर्ग व्लॉग क्यों नहीं देख लो? पहले जाके वो व्लॉग देखो और मुझे बताओ कैसा है। यार इतनी मेहनत करी मैंने एडिटिंग में और आप लोग देख नहीं रहे हो, मुझे बुरा लग रहा है। हाँ, बाकी गुलमर्ग और श्रीनगर में इतनी ठंड नहीं थी जितनी दिल्ली में ठंड है। सब कहता है कंबल में दुब के रहो, सब नौकरी चाकरी छोड़ दो, पूरे दिन सोते रहो और मस्त चाय पकौड़े खाते रहो, बट कर नहीं सकते ना यार। ये ज़िंदगी बड़ी, मुझे ऐसा लगता है मैं बड़ी क्यों हो गई। बचपन में मेरी लाइफ इतनी सेट थी, चुपचाप स्कूल जाती थी, गेम्स खेलती थी, घर आती थी। क्यों बड़े हो गए हम लोग यार, भगवान। ये जो लड़का है यार, मत ले यार। काहे नहीं ले? तुम पढ़ाई के सिवा तुमको कुछ और चीज में नहीं लिया जा सकता ब्लॉग में। सब कमेंट कर रहा है योर ब्रदर इज माय न्यू क्रश, तुमको क्रश कर देंगे और क्रशर में डाल के पी जाएंगे। पढ़ने बैठो, सारा लोग मॉइस्चराइजर ढूंढ रहा है। आई चोरा के बैठे हुए हैं, हाथ में आ गया था पब्बी जो मॉइस्चराइजर आप ढूंढ रही थी, वो यहाँ है। कहाँ था? चोराया था इधर का। है क्या उसे ही में उसके पास था? बेटा के लिए कुछ नहीं ले गया होगा। खाना गरम कर रहे हैं अभी हम अपने पापा के लिए, कुछ जल्दी चाहिए खाना। ये है आलू भुजिया, इसको हम आलू काट के बस फ्राई कर देते हैं, और दाल और चावल, ये प्रॉपर बिहारी खाने के रेंज में आता है, तो अगर ट्राई करो तो कर लेना, इट्स नाइस टेस्टी। क्या बोल रहे हो पीछे से? क्या बोले? रेसिपी कोई फॉलो मत करना, रेसिपी नहीं बता रहे। किमची नूडल्स या फिर कोरियन मैगी। Shut up. Those are my most viral videos. Because he is jealous. Viral because तुमने उसको सही से बनाया नहीं था। Shut up. पहली बार इंसान बनाएगा तो गलत ही ना बनाएगा, guys. चुप करो, खाना निकालने दो हमको। अरे भाई, करंट मारा भाई, बहुत गंदा करंट मारा। तो खा तो लीजिए, अब सुबह से कुछ नहीं खाया। सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी कर दो। क्यों? कांचा का शादी हो रहा है? नहीं, किसी कर्मक नहीं है। नहीं, जो भी बात हो उतना तो मैं नहीं बोल सकती ना। ठीक है, जाओ। ठीक है, अब तुम भी अपना सोच सकती हो शादी ब्याह के बारे में। ठीक, अभी इन्होंने मुझे बोल तो दिया शादी कर लो, अब इनको दुख हो गया है तो मैं साथ में सोने के लिए बुलाया। शादी इसलिए बोले है कि कर लो कि अपना हस्बैंड। नहीं, शादी इसलिए बोले कि इन्होंने बोला था गर्म पानी पीने के लिए और मैंने ठंडा पानी पी लिया। पिया नहीं, मतलब पिया नहीं था, मतलब गर्म पानी का वो क्या बोलते थर्मस नहीं उठाया, इसीलिए बस, इसीलिए गाइस, और कोई वजह नहीं है। तबीयत इतनी खराब है ना पिछले 3 दिनों से ये घर में। कितनी बार बताओगी मम्मी यार मैं ठीक हूँ? मुझे पता है ना, ये माँ ही समझ सकती है ना बच्चे की तबीयत खराब होती है, उन पे क्या बीतती है। मैं तो हंसती नहीं। जा रही हूँ अभी अपना बैग वैग पैक करने फ्लाइट का, बिकॉज कल तो मेरी फ्लाइट है काठमांडू बैक, तो हम पहले इसमें सामान पैक कर लेंगे, क्योंकि काठमांडू बैक मतलब काठमांडू जाके वापस दिल्ली आना है, बट कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी फ्लाइट लग सकती है, तो हम इसमें लेओवर का भी सामान रख ले रहे हैं। सामान रख लिया, हमारा कुछ मेकअप का सामान है, हमारे डॉक्यूमेंट्स है, फिर हम इसमें फॉर्मल्स और नॉर्मल कपड़े डाल देंगे, दैट्स इनफ। मैं ना चुपचाप दोपहर में चली गई थी मम्मी के पास, ऐसा दोपहर में भी नहीं, 5 बजे चली गई थी मम्मी के पास कि मम्मी तुम सो रही हो मुझे भी अपने साथ सुला दो, वरना मैं अकेले अगर यहाँ सो रही होती ना मैं कभी नहीं सो पाती। तो बस अभी आधे घंटे के लिए पावर नैप लिया मस्त, और कुछ नहीं, कल फ्लाइट है काठमांडू बैक, वो करेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि डेली व्लॉगिंग को एक बार एक ट्राई दे के देखूँ, वैसे मेरा इतना हेक्टिक स्केड्यूल होता है ना कि एकदम करना पॉसिबल है, बट आई एम गोना ट्राई टू व्लॉग माय लाइफ डेली एंड विल सी कैसा जाता है कैसा नहीं। तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाप रे, मम्मी ना कुछ ऐसा छौंका लगा रही है। आई होप यू गाइज लाइक दैट, एंड मिलते हैं कल, फिर भी ट्राई करेंगे ब्लॉग करने का, एंड बाय गाइस, आई एम गोना स्लीप रेस्ट एंड डू व्हाटएवर द थिंग्स आई वांट। बाय।